तो जानते हैं आजकल बॉलीवुड में रियल किरदारों के ऊपर बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। सो आज ऐसी ही एक फिल्म आ रही है, सांड की आंख। ओहो, व्हाट अ नेम। तो ये दो शार्प शूटर्स दादियों की कहानी है। ये दोनों दादियां आज यहाँ आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें यहाँ पे बुला रहा हूँ जिन्होंने फिल्म में इन दोनों दादियों का किरदार निभाया है। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड तापसी पन्नू एंड भूमि पेडनेकर। अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब का क्या था के गांव जवारी पर तेरी जिद करारी टूटी चार दीवारी तो चल पड़ी है एक नई हवा सदा बहार है तू सबसे चमकदार है तेरी रोशनी में लग रहा है अब जवा जवा जहां मनिया जी तुम क्या खा के आई हो? गाली। आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा, उसमें एक लाइन है जहाँ पे विनीत तापसी से पूछता है कि आप लोग क्या खाती हो। हाँ। तो मेरा आंसर होता है गाली। गाली गाली खा के आई है। अच्छा, फिल्म का नाम है सांड की आंख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम दाल खिचड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं? सब यदु 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 यदु। मोती चूर के लड्डू हैं हम, बहुत मीठे। तापसी और भूमि के लिए जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी और खतरनाक लग रही हैं आप। वाह। तापसी तो अभी हाल में आई थी मिशन मंगल के लिए। हाँ, और इनका तो मिशन ही है कि मंगल करना। ये जिस फिल्म में भी जो भी करती हैं उसका मंगल हो जाता है। और भूमि के बारे में तो क्या कहें, ये सिर्फ हिट पे हिट फिल्में देती हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। और ऊपर से ऐसे शो में आई हैं जो वैसे ही नंबर वन। जिंदगी सफल हो गई, हमारा करियर सफल हो गया। आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज हमारी मदर्स भी हमारे साथ आई हैं। जब मम्मी ये रही मेरी मम्मी और वहां तापसी की मम्मी। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। ये मेरे दोस्त की मम्मी है। तो फर्स्ट रो हमारी मम्मियों के लिए है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मम्मी कॉर्नर। तो आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम सह परिवार आए हैं। वाह, बहुत बहुत स्वागत। जैसे सब सह परिवार हमारी फिल्म देखने जाएंगे। देखो, प्लग इन तो होता रहेगा। टिकट हमारे को बेचनी है, यही बेच के जाएंगे सारी टिकटें। अलग ही मूड में आई है दोनों। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ा मजेदार लग रहा है। तभी ये अपनी माओ को आज लेके आए हैं। शूटिंग पे भी काफी समय साथ रखा, क्योंकि ये पिक्चर जो हमने करी थी ना हम दोनों, हमारे दिमाग में सारे टाइम हमारी माँ का ख्याल था, क्योंकि एक शायद वही है जिनको देख के लगता है कि इन्होंने अपने लिए नहीं जिया है, जो भी किया है हमारे लिए किया है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपकी भी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल। और ये मेरे को इमोशनल ना कर देना बस। अर्चना तो इमोशनल हो भी गई है। तापसी और भूमि के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त उन्हें यहाँ बुलाने का है जिनके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है, बागपत की फेमस शार्प शूटर देवरानी जेठानी की जोड़ी। प्लीज वेलकम प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर। मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर, लाऊंगी रे मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर, प्रकाशी जी और चंद्रो जी के लिए जोरदार तालियां। दादी आशीर्वाद दे दो सबको यहाँ क्यूटली। बेटे सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू दादी, सबको आशीर्वाद है बेटे। आप हमारे शो में आए, इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। थैंक यू सो मच बेटे। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम कपिल के पास आए,
इसके शो में आए, हमें बहुत खुशी मिली। आप देखते हैं हमारा शो? हमें भी तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, और देखें जी भी तो आए भाग के। बहुत अच्छा लग रहा है, आइए प्लीज। आओ दादी बैठो। आइए दादी, चलो। आज इतना अच्छा लग रहा है ना, ये फ्रेम देख के, ये सोफा पे दो हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल किरदार निभाए हैं, और दो वो हमारी दादियां जिन्होंने गांव के माहौल में रह के पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया होगा और इतनी शार्प शूटर बनी, क्या बात है। अगर अगर दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारी दादियां, क्या बात है। दादी आपसे बात पूछनी थी, आप यहाँ अकेले हैं कि बंदूक लाई है साथ में? नहीं बेटे, बंदूक तू ला कर दे, चला कर दिखा देंगे। आपको मैं बता दूं कि चंद्रो जी जो हैं, इनके 5 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं, गॉड ब्लेस यू। और प्रकाशी जी के 8 बच्चे और 20 पोते पोतियां हैं। दादी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, कितना मुश्किल था आपके लिए शार्प शूटर बनना? बिकॉज पहले पहले तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने बड़ा रोका होगा कि नहीं नहीं हमारे बहुएं या हमारी बेटियां कैसे करेंगी ये सब। अरे बेटे, गांव वालों ने तो पहले पहले मजाक उड़ाई, ये बुढ़िया जाऊंगी कारगिल में, ये चला मैं बंदूक, लेकिन किसी की सुनी नहीं हमने। अच्छा जी। बेटा मारी मजाक उड़ाई, बड़े आदमी रोका ही करे थे पहले। अच्छा जी। फिर हम फिर भी कान बहरे करके लगे रहे। अच्छा जी। धाकड़ रहे, डरे नहीं, बंदूक चलाई खूब। तो दादी जो लोग मजाक उड़ाते थे, जब आपको मेडल मिले फिर उनको मेडल दिखाया कि फिर आपने बंदूक दिखाई थी उनको? मेडल 1 साल खेल के मैं, और एक मेरी कटागिरी में बुलाया था धीरज सिंह DIG। अच्छा, बहुत पुराना शूटर। अच्छा जी। और मैं 1 साल की खेली हुई। अच्छा जी। 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी, मैं गोल्ड मेडल ले लिया, उसका सेकंड का हो गया। क्या बात है यार। तो लोगों के मुंह बंद हो गए, अपने आप बंद होने चाहिए एक्चुअली। लोग नु कह लगे दादी को दुनिया जानेगी अपनी, और तू कह लगे तो मैं घर में कौन जाने। अच्छा दादी, ऐसे लोग होते हैं बड़े शर्मिंदा हैं, मतलब उनको अगर बताओ दो ना कि अब बताओ मेडल जीत गए, फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते, हमें तो पता ही था। फिर ऐसे भी करते हैं लोग। इन तो खुद ही शर्मिंदा हो गए, पिक्चर बन गई। ये बात मुझे पता नहीं क्यों आप दोनों को देख लग रहा है मैं अपनी मम्मी के हाथ में बंदूक दे दूं। है? तू बच के घूमियो। हाँ एक्चुअली वो साफ शूटर बना देंगे उसे भी हम। हाय हाय, क्या बात है। तो दादी किस उम्र में आपने शूटिंग शुरू की थी? बेटा जिसमें दुनिया खाट पर बैठ जा। हाँ। 65 साल की ने। वाह। 87 उम्र। आपकी 87 उम्र अभी? अभी। क्या बात है यार। हमारा दुरानी जिठानी का थोड़ा ही उम्र का फासला है, 5-4 साल का ही। ये 6 साल छुट्टी मेरे थे। अच्छा, 5 साल छुट्टी। और आप 81 हो गई है ना? आप 81। अच्छा जी। पिस्टल पहले, मिठाई। हाय हाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.